हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के हो रहे 10:30 और हमारा नाश्ता वगैरह सब हो चुका है। बस अभी झाड़ू पोछा, कपड़े कुपड़े वैसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि अभी हम मतलब मैं थोड़ा सुबह टहल के आई तो बड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे, क्या बोलते हैं, गैस वूस की ना। तो मैंने कहा चलो टहल के आते हो, तो सुबह सुबह टहलने गई थी, थोड़ा सा ही यहाँ पे तक आगे तक गई थी, फिर वापस आई। नाश्ता बनाया, नाश्ता कर रखा है, तो भाई थोड़ा मैं रेस्ट कर रही हूँ, थकान सी लग रही थी बड़ा ही पता नहीं क्यों। तो फिर वही, तो अभी मैं हो रही हूँ, मैंने कहा फटाफट से कपड़े कपड़े इतने पड़े हुए हैं फटाक से धुल दूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में खाना बनाने का टाइम हो जाएगा और बस ऐसे सीन हो जाता है फिर पूरा। तो वही है, तो अभी शादी फंक्शन भी मस्त मस्त ही पड़ रहे हैं धुकली के, और हम बस यहाँ से देख रहे हैं, ऑनलाइन ही इंजॉय कर रहे हैं हम भी। तो अभी क्या बोलते हैं, आज शायद मेहंदी है तो मेहंदी का फंक्शन देखेंगे, डांस वूंस सीखेंगे। मतलब मेहंदी कल रात को हो चुकी है, ढुकली की थी मेहंदी, वो रात को हो चुकी है, बस जो फंक्शन है मेहंदी का वो आज है। तो देखते हैं फिर डांस वूंस होगा। मेरे को तो सबसे ज़्यादा मतलब शादियों में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है पता है, फंक्शन तो पसंद ही है लेकिन डांस बहुत पसंद है। तभी आज रात को डांस देखेंगे कैसा होता है, क्या होता है, मज़ा आएगा भयंकर। हम तो यहीं से इंजॉय करना पड़ेगा, क्या करें। ये हमारे पति भी पधार चुके हैं अभी, अब हम काम धाम निपटाते हुए जरा फटाफट से तभी पड़ जाएंगे वहाँ से। लोगों को यहाँ गर्मी लग रही है, यहाँ देखो, और हमें ठंड लग रही है दोनों को। हमें ना बुआ के यहाँ से कंबल लेके आना पड़ेगा क्योंकि हम रात को ना हमारे इसमें तो ठंड लग जाती है पता है। कल हम ऐसे ठंड से हो गए थे ना, यूँ ठंडा लग रहा है। अपन वहाँ से तो हम लेके आए नहीं कंबल, दीवान में ही रखा हुआ, अब यहीं से मांगना पड़ेगा भाई बुआ लोगों से कुछ दिन के लिए, फिर जब जाएंगे तब लेके आ जाएंगे कंबल। सच में रात को सुबह के मतलब 4 बजे के बाद ऐसा ठंड लगता है, पंखा बंद करने के बाद भी उसे कप 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 ऐसे छूटती पता है। या तो हम ही लग रही है तो पता नहीं, हम दोनों को लग रही है लेकिन बहुत ठंड लग रही है। तभी देखते हैं दिन में क्या बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे खाना। तो चलो इन्हें सोने देते हैं हम, और मैं सोचा था मैं कपड़े कपड़े धोऊंगी यार, फिर इनकी नींद खराब हो जाएगी, भिगा के रख देती हूँ, फिर जब ये उठेंगे तब मैं फटाफट धो दूंगी। अभी शाम के बज रहे 5:15 और नहा धो के मस्त कपड़े कपड़े हमने छत में डाल दिए थे जो कि बिल्कुल इतना भयंकर सूख गए होंगे ना क्योंकि हमने सुबह ही उसी टाइम मैंने कपड़े धुल दिए थे, बट हिम्मत नहीं हुई दोबारा की ऊपर छत में जाने की। बट अभी मौसम ठीक है, धूप भूख चलेगी, तो अब जाती हूँ छत से कपड़े वपड़े लेके आती हूँ, फिर तैयार होके थोड़ा टहलने निकलती हूँ यहाँ पर, ज़रा 1 आधा घंटा घूम के आती हूँ, फिर नानी के पास जाऊँगी, फिर शाम का फंक्शन देखेंगे ऑनलाइन। सुबह हल्दी का तो नहीं देख पाए थे क्योंकि हल्दी में सब लोग बिज़ी हो जाते हैं ना, वही हो जाता फटाफट वाला सीन। तो बस, तो अभी रात का देखेंगे हम आराम से मेहंदी रचने वाली ढिंगनिंग वाली मस्त मजे यार। डांस मैंने डांस बहुत मिस करूँगी मैं कर। तो चलो अभी मेरे पति देव तो गए हैं ड्यूटी, वो तो ड्यूटी चले गए थे, मैंने फटाफट मैंने कहा जाओ जाओ, और मैं जाती हूँ अभी थोड़ा टहल के आती हूँ इधर उधर, क्या इधर ही जाना है उधर, एक खाली ग्राउंड्स है ना तो वहाँ पे भी ठीक है मतलब घूमने वूमने के लिए। बुआ रहती तो बुआ के साथ जाती, बट नानी के पाँव में तकलीफ होती तो नानी ज़्यादा चल नहीं पाती ना, तो इसलिए अब अकेले ही जाना पड़ेगा मुझे। तो फिलहाल अभी मैं चलती हूँ फटाफट से और फिर मिलते हैं आपको। Thank you.
अभी मैं और नानी जस्ट वो देख रहे थे, क्या बोलते ऑनलाइन शादी इंजॉय कर रहे थे, मेहंदी वाला फंक्शन। तो अभी मामा लोग, मामा और गोलू जा रखे कहीं शादी में, तो वो अभी आएंगे, अभी आए नहीं, वो 11 बजे ही रात के, वो पता नहीं कब तक आते फिर। तो यार मुझे तो रोना आ रहा था, अच्छी पहला फंक्शन होगा जिसमें मैं नहीं हूँ, बड़ा दुख हो रहा है। अच्छी यार याद आ रही है एंकर, कितने माम भी डांस कर रहे होते, अभी मज़े ले रहे होते। पर चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं मामा लोग कब तक आते हैं। और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।